नमस्कार, विभाग विनोद में मैं एसएन विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। और आज हम चर्चा करेंगे अगले वर्ष 2024 में आम चुनाव के पूर्व, अभी इस वर्ष के आरंभ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर। जी, दोनों दल अपनी अपनी रणनीतियां बनाने के लिए कदम डाल कर चुके हैं, विभिन्न स्तरों पर उनके विचार विमर्श जारी हैं, मंथन जारी है। और इस बीच दोनों पक्ष से परस्पर जो प्रहार किए जा रहे हैं उसे भी तीखा बनाया जा रहा है। यह भारतीय राजनीति का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आया है। आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगते रहे हैं, कई अशोभनीय घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन हाल के दिनों जो देखा जा रहा है वह यह कि अब दल से ऊपर हटते हुए निजी प्रहार भी नेताओं के ऊपर तेज कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्ष्य बनाया जाता है, तो कांग्रेस पर प्रहार के दौरान राहुल गांधी को। इस तरह से बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होने जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। आज की स्थिति ये दोहरा दो कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। रातों रात हवाएं बदलती हैं और सब कुछ बदल जाता है, अनपेक्षित घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे परिणाम सामने आते हैं जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। इस पार्श्व में इनकी रणनीतियों पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें लगी हुई हैं, तो बिल्कुल यह एक अरुचिकर विषय यह उठकर के आया है। हाल के दिनों में देखा गया, जैसे कहा कि निजी आरोप बहुत ज्यादा लग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, तो लगते ही हैं, राहुल गांधी के ऊपर लग रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जिस स्तर पर अब हो रहा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें विशेषकर राहुल गांधी को सावधानी बरतनी होगी। वह इसलिए कि अपनी ये ताजा तरीन जो चल रही है उनकी भारत जोड़ो यात्रा, इस अवधि में एक नए राहुल गांधी का जो उदय हुआ है या होने जा रहा है उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी स्वयं राहुल गांधी पर है। जिस प्रतिमा का निर्माण अनायास हुआ है पदयात्रा के लेकर के, उसके एक सुपरिणाम सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी को मरणासन कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिल रही है, यह तो सही है, लेकिन राहुल गांधी की छवि भी, जिस प्रकार पहले उन्हें मजाक में लिया जाता था, पप्पू पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था, आज वो राहुल गांधी नहीं है। आज राहुल गांधी के ऊपर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं, और सर्वाधिक कांग्रेस के लिए, स्वयं राहुल गांधी के लिए सुखद संकेत तो यह है कि उनके प्रबल आलोचक भी अब उनके प्रशंसक बन रहे हैं। पिछले दिनों जैसे आपने देखा होगा, स्वयं हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने भी राहुल गांधी की पदयात्रा और उनकी नियत की प्रशंसा की है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अपनी इस नवनिर्मित प्रतिमा को सुरक्षित रखे, ताकि आने वाले दिनों में जिस 2024 की चर्चा हम कर रहे हैं उसमें उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। क्योंकि
मैंने बार बार इस बात को दोहराया है, मैं पूरा बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना अर्थात वर्तमान में विपक्ष का मजबूत होना, यह कांग्रेस पार्टी के हित की बात सिर्फ नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र के नींव को सुरक्षित रखने का मामला है। यह अनायास नहीं है, यह यूं ही नहीं है। जब बार बार यह शक प्रकट किए जाते हैं कि वर्तमान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का एक वर्ग, मैं यहां एक वर्ग कहूंगा चूंकि भारतीय मैं विरुद्ध वर्ग, भारतीय जनता पार्टी के नियत पर संदेह नहीं किया सकता है, वो भारतीयता को और राष्ट्रवाद को समर्पित पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जो देखा गया, जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी को बंधक बना लिया गया है। जी हां, आज पार्टी के स्तर पर क्या निर्णय होते हैं, इसे कोई चुनौती नहीं दिया जा सकता है इस जानकारी को कि सारे निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय में होते हैं और वहां से विभिन्न विभागों को, विभिन्न नेताओं को, विभिन्न प्रदेश समितियों को निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। यह एक सच्चाई है जो कालांतर में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी, इस बात को ध्यान रखें। आज अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में 2024 में सत्ता में आने का मंसूबा पाले हुई है तो इसमें गलत नहीं है, और फिलहाल तो यह कहा सकता है कि उन्हें कोई चुनौती नहीं है। यह बिखरा विपक्ष, उनके नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं विपक्ष को एकजुट होने से रोक रही हैं, जिसका सीधा सीधा राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और मिलेगा। आज वर्तमान की स्थिति यह है कि 2024 उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। वैसे मैंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, रातों रात स्थितियां बदलती है। अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, अगर सचमुच लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र की सुरक्षा के प्रति वे अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा था, आप देख लीजिए आज स्थिति क्या है। जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, वे सभी किन्हीं कारणों से आज विपक्षी एकता के मुद्दे पर मौन है। यह एक सच्चाई है और यह स्थिति पैदा की गई है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा। अनेक कारण हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे और आ भी रहे हैं, जिसने विपक्षी दलों को शांत रहने को मजबूर किया है। एक अकेले हम राहुल गांधी की चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का जो योगदान भारतीय लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में है उसे भी चुनौती नहीं दी जा सकती। आजादी की लड़ाई में उन्होंने जो निर्णायक भूमिका रही है कांग्रेस की, कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। जबकि हकीकत यह है कि आज अगर कांग्रेस पार्टी स्वयं को न केवल मजबूत विपक्ष के रूप में सामने लाती है बल्कि आने वाले दिनों में एक मजबूत चुनौती बनकर अगर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 के मैदान में उतरती है तो संभावना इस बात की है कि उन्हें सफलता मिले। मैंने कहा जैसे भारतीय जनता पार्टी भी जो रणनीति बना रही है, आज भारतीय जनता पार्टी ठीक है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी समिति है, उनके बैठकें हो रही हैं, हो भी रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन जो आशंका प्रकट की जा रही है उसे भी ध्यान में रखना होगा पूरे देश को, और वह यह है
कि इस बात की शंका प्रकट की जा रही है बार बार कि अगर तीसरी बार अर्थात 2024 में भी मोदी सरकार पदारूढ़ होती है तो संभवतः लोकतंत्र के सामने, जी हां, स्वयं भारतीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि क्या हमारा वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रह पाएगा। यह अजीब लगेगा लेकिन सच्चाई है, कैसी चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है, बगैर चिंगारी के धुआं टूटता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ है। और जैसा मैंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी स्वयं लगता है कि बंधक बनी हुई है, तो इस आशंका में दम तो है, ये निराधार नहीं है, ये आशंका सभी जानते हैं कि एक वह समय था, ध्यान रखें, आज एक ब्रांड के रूप में अगर प्रधानमंत्री मोदी को सामने कहते हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव जिताऊ व्यक्तित्व के रूप में उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ध्यान रखें कि जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे और आज जिस अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा होती है, अटल बिहारी वाजपेयी अटल आडवाणी की जोड़ी थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में लाया है, शासन कर रहे हो आगे भी कर सकते हैं, उस अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म की याद दिलाई थी और एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का मन बना लिया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, तब लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के सुरक्षा कवच बनकर सामने आए थे और उन्होंने वाजपेयी जी को तैयार करवाया कि नहीं अभी नहीं समय दिया जाए। वही नरेंद्र मोदी है और वही अटल बिहारी वाजपेयी थे, वही भारतीय जनता पार्टी थी और आज वह नरेंद्र मोदी अपने कुछ सलाहकारों के साथ सत्तारूढ़ रहते हुए आगे की रणनीति बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह उन्हीं मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे जिस पर चलते हुए आज वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वह कोई अत्यंत उत्साहवर्धक मार्ग नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। आज लोग खुलकर नहीं बोलेंगे लेकिन जानकार राजनीतिक विश्लेषक सहमत होंगे इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो चुका है जो नरेंद्र मोदी की रणनीति को लेकर सशंकित है। उन्हें शक है कि कहीं जिसके लिए विख्यात है भारतीय जनता पार्टी, जिस चाल चरित्र चेहरे को लेकर के, वह कलंकित न हो जाए। बार बार, हालांकि विडंबना के रूप में मैं कहूंगा, स्वयं नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया है कि देश पहले है, व्यक्ति और पार्टी बाद में। अगर नरेंद्र मोदी ईमानदारी से अपने इन शब्दों पर चलते हुए देश हित में फैसले लें तब स्थितियां बदल जा सकती हैं। इनकी जो छवि जो आज जनता के सामने पेश की जा रही है या अनायास पेश हो रही है, उसे भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्वयं नरेंद्र मोदी पर है। नरेंद्र मोदी इतिहास कायम करना चाहते हैं, उनकी अनेक इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति चाहते हैं, वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी फिलहाल ऐसा लगता है। लेकिन इतिहास में एक अच्छे शासक के रूप में, एक लोकतांत्रिक शासक के रूप में, देश के लिए समर्पित शासक के रूप में अगर स्वयं को इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को
स्वयं अपनी छवि के निर्माण में सतर्क रहना पड़ेगा। उनके सलाहकार भी इस बात को समझ ले कि इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता, उसकी पैनी निगाहें हमेशा चौकन रहती हैं, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ हृदयस्थ करता है और समय आने पर उसे कलमबद्ध भी करता है। आने वाली पीढ़ी उन शब्दों को देखती है और उसके बाद वह अपना मन बनाती है। 2024 का चुनाव, जैसे मैं कह चुका हूं, जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए अगर अब नहीं तो कभी नहीं का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो वह उनकी पूर्व घोषणा है कि हम अगले 50 वर्षों तक शासन करेंगे, उस इच्छा की पूर्ति की दिशा में भी 2024 निर्णायक साबित होगा। हमारा आग्रह ये रहेगा, आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अवश्य करें, वार प्रहार भी करें, लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर नहीं, भारत देश की कीमत पर नहीं, यह नहीं होना चाहिए। अगर इसकी कीमत पर अगर कोई अपनी रणनीति बनाता है और राजनीति की रोटी सेकता है तो वह कभी भी इतिहास में वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसकी कामना हो करते हैं। दोहराना ही होगा, फिर दोहरा लो, इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता। हाँ, अगर आपको तात्कालिक लाभ चाहिए तो बात दूसरी है, लेकिन अगर लोकतंत्र के हित में, देश के हित में अगर आप सोचते हैं तो इतिहास आपको अपने पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में स्थान देगा। इस बात को समझ लीजिए। राहुल गांधी भी इस बात को समझ करके, जो उनकी नौ निर्मित छवि है, जो एक नए अवतार में जिस प्रकार उनका उदय हुआ है, वह उसे सुरक्षित रखने को सोचे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विश्वगुरु भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री के रूप में और सर्वाधिक सफल प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी स्वयं उनके ऊपर है, उनके आचरण के ऊपर है। वहां सतर्क रहे। और ये दोनों के लिए, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दोनों के लिए चुनौती है कि आप अपनी सिर्फ निजी छवि की चिंता करते हैं या भारत माता की संपूर्णता में उनकी अस्मिता की, उनकी छवि की चिंता करते हैं। धन्यवाद।